अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ नॉलेज INQ। तो आज की इस अपडेट के अंदर मैं आपको बताने लगा हूँ जो टीचर्स हैं उनकी अक्रेडिटेशन के हवाले से केस और उसकी जो डिटेल है वो आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में जो है वो कन्वे की जाएगी, मालूम हो जाएगी। अगर आपने मेरे इस चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें ताकि इस तरह की जो भी वीडियोस या लेटेस्ट अपडेट हैं वो आप तक बरवक्त पहुंचती रहें और आप इससे इस्तेफादा करते रहें। ये चैनल हमेशा की तरह जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड या पाकिस्तान में और भी कोई एजुकेशन न्यूज़ होती है या कोई नोटिफिकेशन या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो वीडियोज़ की फॉर्म में जो है आपके साथ बरवक्त शेयर की जाती है। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ उस खबर की तरफ। टीचर्स अपग्रेडेशन का केस दोबारा काबीना में पेश करने का फ़ैसला। महकमा ख़जाना और तलीम को तमाम असाज़ा की तरक्की का मशतरक का केस तैयार करके हुकूमत को भिजवाने की हिदायत। काबीना से मंजूरी मिलने के बाद अलामिया जारी किया जाएगा। अपग्रेडेशन पर 28 अरब रुपये खर्च होंगे। ज़राए पेशावर न्यूज़ रिपोर्टर। हुकूमत ने सूबे के सरकारी स्कूल्स में तैनात मुख्तलिफ कैडर्स के असाज़ा की अपग्रेडेशन का मामला एक मरतबा फिर सूबाई काबीना में ले जाने का फ़ैसला कर लिया है, जिसके लिए महकमा ख़जाना और महकमा तलीम को तमाम असाज़ा की अपग्रेडेशन का मुश्तरक केस की तैयारी और से हुकूमत को इरसाल करने की हिदायत कर दी है। ज़राए ने बताया कि इस हवाले से गुज़िश्ता दिनों निगरान हुकूमत ने बाकायदा मुतल्लिका महकमों से तफ़सीलात भी तलब कर लिए और तमाम महकमों को फौरी तौर पर इस पर होमवर्क करने की हिदायत कर दी।